प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाली गंगा चैनल पर कृतार्जुनीयम के श्लोकों की व्याख्या अन्वय और शब्दार्थों की जानकारी या इसकी व्याख्याएं चल रही हैं। और अभी तक हमने जो है 35 श्लोकों तक पढ़ा था कि करोतिमन्यु न कथम धनंजय, कि हे अर्जुन क्षम्यतम, हे युधिष्ठिर, आपको जो है क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं होता उस अर्जुन की दुर्दशा को देखकर, कि जो पहले अकूत धन संपत्ति ला कर देता था, आज वह वृक्षों की छाल लाकर आपको दे रहा है। एक पराक्रमी का इस तरह से अपमान किया जा रहा है, क्या ऐसी दुर्दशा देखकर आपके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता? और इसके पहले श्लोक में पढ़ा था कि भीम की दुर्दशा का वर्णन था, तो भीम का और अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन हमने जान लिया। अब हमारा अगला श्लोक है जिसमें नकुल और सहदेव इन दोनों भाइयों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ कि वनांते सैया कठनी कृता कृते कचाचितौ बेस्वगिवा गजौ गजौ कथम तमेतौ धृत संयमौ यमौ विलोकयन्नो सहसेन बाधितुं कथं तमेतौ धृत संयमौ यमौ विलोकयन्नो सहसेन बाधितुं। तो यहाँ पर दिया है कथम, कथम माने कैसे, कथम माने कैसे। तुम, तुमको मध्यम पुरुष का एकवचन है तुम, अर्थात तुम, तुम का अर्थ क्या होगा कि तुम। तो यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, तुम से युधिष्ठिर का कैसे बोध हो जाता है कि जब हम पुरुष के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जब दो लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह तीसरा व्यक्ति प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाता है जिससे बात की जाती है। तो इस समय द्रौपदी किससे बात कर रही है, युधिष्ठिर से बात कर रही है, तो वह हमारा मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष के लिए हम लोग तोम का प्रयोग करते हैं, तोम इवाम इवम, और जो बात करता है वह उत्तम पुरुष होता है, और उत्तम पुरुष के लिए अहम आवाम वयम। तो यहाँ पर तुम से क्या बोध हो गया कि उस राजा युधिष्ठिर अर्थात तुम अर्थात हे युधिष्ठिर कथम कैसे, और दिया है नीचे क्रिया उत्साह से। यह भी मध्यम पुरुष एक वचन है, यह भी क्या है कि तुम कैसे उत्साहित, और दिया है न माने तुम कैसे उत्साहित नहीं होते हो। तो तुम कथम न उत्साह से, तुम कैसे उत्साहित नहीं होते हो। और इसमें दिया है एतौ, तुम एतौ, तो आपको पता होगा नकुल सहदेव ये दोनों जुड़वे थे, तो इसीलिए यहाँ पर एतौ दो वचनांत का प्रयोग किया गया। एतौ विलोकयन अर्थात तुम माने हे युधिष्ठिर, तुम एतौ माने इन दोनों को देखकर कथम न उत्साह से, आपको कैसे उत्साह नहीं होता, आपके अंदर कैसे क्रोध उत्पन्न नहीं होता, आपके अंदर कैसे इन दोनों को देखकर उत्साह उत्पन्न नहीं होता। और दिया है धृत संयमौ यमौ, तो आपको पता होगा कि जब एक ही शब्द दो बार आए, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यमौ, यमौ माने होता है जुड़वा, धृत संयम माने आपका धैर्य आपका संयम, यमौ माने इन दोनों जुड़वे को। तो इसका जब अन्वय करेंगे कि कथम तुम एतौ यमौ विलोकयन अर्थात तुम इन दोनों जुड़वे भाइयों को देखकर न उत्साह से माने आप उत्साहित क्यों नहीं होते, इनकी दुर्दशा को देखकर, नकुल सहदेव की दुर्दशा को देखकर आप उत्साहित क्यों नहीं होते। तो धृत से धैर्य, संयमौ से संयम, यमौ का अर्थ हो गया जुड़वा, न बाधितुम, तो यहाँ पर बाधितुम का अर्थ हो गया कि आप इन दोनों को देखकर आपके अंदर जो उत्साह है यथार्थ जो आपने उस सत्य का पालन कर रहे हो वह आपकी बाधा को क्यों नहीं तोड़ता, आपके अंदर उत्साह क्यों नहीं देता। तो तुम एतौ यमौ
विलोकयन धृत संयमो बाधितुम न उत्सह कथम। कहने का तात्पर्य यही है कि हे युधिष्ठिर, तुम इन दोनों भाइयों की दुर्दशा को देखकर तुम्हारे अंदर उत्साह क्यों नहीं जागृत होता, कैसे उत्साह जागृत नहीं होता। तो तीसरी और चौथी लाइन का आपके पास अर्थ पहुंच गया है। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा है, बारितुम में क्या है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और बारितुम का अर्थ ही होता है छोड़ने के लिए। बारितुम का अर्थ क्या होता है, छोड़ने के लिए। कहने का तात्पर्य यही है कि वह अपना अहंकार, 12 वर्ष का जो आपको वनवास मिला है, यह छोड़ने के लिए आप क्यों उत्साहित नहीं होते, आप युद्ध करने के लिए क्यों नहीं उत्साहित होते। अभी आपने भीम की दुर्दशा को बताया, हमने आपको अर्जुन की दुर्दशा को बताया, अब नकुल सहदेव की दुर्दशा को बता रही हूँ। लेकिन इन सबके दुर्दशा को देखकर आपके अंदर उत्साह क्यों नहीं जागृत होता। कथम त्वमेतौ धृत संयमौ यमौ विलोकयन्नो सहसेन बाधितुम। धृत संयमो बाधितुम, अर्थात आपके अंदर जो धृति है, धैर्य है, जो संयम है, उसको आप क्यों नहीं छोड़ देते। अपने इन नकुल सहदेव, इन दोनों भाइयों की दुर्दशा को देखकर तो तम एतौ एमौ विलोकयन, इन जुड़वे दोनों भाइयों को देखकर कर अंदर जो धृत है, आपके अंदर जो धैर्य है, संयम है, उसको आप क्यों नहीं छोड़ देते। ये तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ रहा। तो यहाँ से इसका अर्थ बना लीजिए, तम एतौ अर्थात तुम्हारे द्वारा, एतौ माने इन दोनों को, एमौ माने जुड़वे भाइयों को, विलोकयन माने देख कर, कथम माने कैसे दिया है धृत संयम, जो आपके अंदर धैर्य है, जो संयम है, बाधितुम, बाधितुम माने क्यों नहीं छोड़ देते न उत्साह से, अर्थात आपके अंदर धैर्य है, संयम है, इस भाइयों की दीन दशा को देखकर आपका धैर्य और संयम क्यों नहीं टूटता, आप युद्ध के लिए क्यों प्रेरित नहीं होते। इस श्लोक का तीसरी और चौथी लाइन का भाव रहा। और उनकी दुर्दशा क्या है, ऊपर की लाइनों में बताया गया कि वनांते सैया, वनांते सैया अर्थात वन ही जिसका सैया हो, जिसका शयन हो, जिसका सेज हो, जिसका बेडरूम हो, जिसकी खटिया हो, जिसकी पलंग हो, कुछ भी आप अर्थ लगा सकते हैं कि भाई वह जंगलों में रह रहे हैं, 12 वर्षों से रह रहे हैं, तो वह महलों से बिस्तरा लेकर नहीं आए थे, गद्दा लेकर नहीं आए थे, महलों का सुख लेकर नहीं चले थे, एक वस्त्र पहनकर वह जंगलों में आए थे, तो वह वन में ही उबड़ खाबड़ भूमि पर, पथरीली भूमि पर, गांव में जो खेत में मिट्टी होती, ढेलही भूमि पर, इसे ढेला कहते हैं, कंकड़ीली भूमि पर, पथरीली भूमि पर, तो वन आनते सैया, कुछ भी इसका अर्थ लगा लीजिए, वन पर सोने वाले, अर्थात वन ही जिसकी सैया है, वन ही जिसका बिस्तरा है, वन ही जिसका बेडरूम है, वन ही जिसकी खटिया है, पलंग है, चौकी, अर्थात जो 12 वर्षों से ही वन को ही अपनी सैया बना लिया है। और उस सैया को बनाने से उनके शरीर में क्या हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए, नकुल और सहदेव बहुत ही कोमल थे, बहुत ही सुंदर थे। जब भी वह अपने राजमहल या अपने राज्य में चलते थे तो देखने वाले लोगों की लाइन लग जाती थी, इतने सुंदर थे, इतने कोमल थे। लेकिन आज वही क्या है कि वन की सैया पर सोने वाले, वन में पथरीली भूमि पर, उबड़ खाबड़ भूमि पर सोने वाले उस नकुल से सहदेव की कठिनी कृति, अर्थात उनकी जो शरीर है कठिन हो गई, अर्थात कठोर हो गई है, अर्थात जगह जगह क्या होते हैं, जैसे कोई काम करते तो घट्ठा बैठ जाता है, इसे कहते हैं ना, तो बार बार सोने से उनका शरीर क्या हो गया, एकदम मजबूत वाला हो गया है, अर्थात उनके शरीर में कोमलता खत्म हो गई, जो 12 वर्ष से पथरीली भूमि पर सो रहा होगा, अल्पन होता है, वह खत्म हो जाता है। तो बनानते सैया कठने कृति आकृति, अर्थात उनका आकृति कैसा हो गया है, मजबूत हो गया, अर्थात उनके अंदर जो कोमल था, कोमलपन था, वह खत्म हो गया है। जो महलों में हमेशा रहने वाले थे, जिनका शरीर कोमल था, जो सुकुमार थे, भाई राजा का भाई था, जिसका भाई राजा हो तो उसका जो छोटा भाई होगा वह कौन सा कार्य करेगा, वह सबसे छोटे भाई हैं, दो तो अभी भीम और अर्जुन थे ही,
जो युधिष्ठिर से काम छूटता था, भीम देखते थे, भीम से छूट गया, अर्जुन देखते थे, इन लोगों के पास काम पड़ता ही नहीं था। तो हमेशा ये जो है ऐश्वर्य में पले बड़े थे, तो इसलिए इनका शरीर कोमल था, सुकुमार था, सुंदर था, जिस तरफ निकलते थे देखने वालों की लाइन लग जाती थी। लेकिन आज वही नकुल सहदेव की स्थिति क्या हो गई है, उनका शरीर इतना कठोर हो गया है, उनके कठेर, उनके चमड़े, उनके जो ये हमारे जो हाथ के कोमल भाग है सब क्या हो गए हैं, जो जगह जगह जोड़ है सब पर घट्ठे बैठ गए हैं। कहाँ पर? उस बनांत सैया पर, सोने पर। तो बनांत सैया कठने कृत आकृति, कठने कृत आकृति, माने जिसकी आकृति कठिन हो गई है, अर्थात जिसके अंदर से कोमलपन चला गया है, ऐसे उस नकुल सहदेव की स्थिति हो गई है। और दूसरी लाइन में दिया है कचा चितौ, तो कच माने होता है केस, कच माने क्या होता है, केस, और दिया अचितौ, कचा अचितौ, अर्थात चित माने होता है जिसका केस अच्छा हो, पाटी उट्टी पड़ी हो, अर्थात कंघी उस पर डाली गई हो, सेट हो, इधर उधर बिखरे ना हो, वह चित होता है। लेकिन अचितौ का अर्थ क्या होता है कि यह बाल बिखरे हुए हो, अर्थात जंगलों में ना तो कोई ऐसी व्यवस्था थी कि वह अपने बालों में साबुन शैम्पू आदि का प्रयोग कर सकें। और मज़े की बात है कि चितौ यह द्विवचनांत वाक्य, अचितौ क्या है, द्विवचनांत है, और भी द्विवचनांत है। आकृति, जैसे मति का रूप चलता है मति मति मतय, उसी तरह आकृति आकृति आकृतय, तो आकृति जो है द्विवचनांत है। द्विवचनांत अर्थात दोनों भाइयों का वर्णन साथ साथ किया जा रहा है, कचा चितौ अर्थात उन दोनों की जो बाल है वह बिखरे हुए हैं। विश्वक, विश्वक का अर्थ होता है चारों तरफ, अर्थात कोई बाल इधर लटका है, इधर लटका है, चारों तरफ उनके चेहरों पर, कंधों पर बाल बिखरे हुए हैं, गालों पर बाल बिखरे हुए हैं, बालों में लट पड़ गए हैं। भाई कोई नाव तो था नहीं, कोई बाल बनाने वाला था नहीं, तो बाल भी बढ़ गए होंगे। तो ऐसा लगता था कि जो उतने कोमल सुकुमार सुंदर दिखने वाले नकुल सहदेव आज वह बिखरे हुए लटों के साथ, अर्थात चेहरों पर उनके बाल हमेशा इधर उधर बिखरे रहते हैं। और दीवा है इव, विश्वक इव अगजौ गजौ, यहाँ पर गज माने होता है हाथी, गजौ द्विवचनांत है। यहाँ पर द्रौपदी ने उन नकुल और सहदेव की तुलना हाथी से कर दी, और वह हाथी कैसा है, अगजौ है। अग माने होता है अ माने न माने नहीं, ग माने गमन करने वाला, जो गमन न करता हो वह अग, अग माने जो गमन न करता हो, ज माने उत्पन्न होने वाला। तो पर्वत कभी भी इधर उधर चलता नहीं, इसीलिए पर्वत को अग कहते हैं, ज माने उत्पन्न होने वाला। और वह हाथी कैसा है, जंगली हाथी है, कि जो पर्वतों में जंगली हाथी जिस तरह से इधर उधर घूमता रहता है, उसका शरीर कठोर होता है, उसी तरह यह नकुल सहदेव भी इस जंगल में उस हाथी के समान इधर उधर भटक रहे हैं। यह इस श्लोक का भाव रहा कि बनांत सैया कठने कृता कृते कचा चितौ बे स्वगे वा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृत संयमौ यमौ विलोकयन्नो सहसेन बाधितुम। तो कृता कृत आकृति और दिया है अगजौ गजौ और यमौ यमौ, यमक अलंकार है, और कठने कृत कृता आकृति अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप सारी बातें जानते हैं कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, एक ही शब्द दो बार आए तो यमक अलंकार होता है। पूछ लेगा कि बनांते सैया कठने कृता कृते में किसका वर्णन है, तो नकुल सहदेव का वर्णन है। कथम त्वमेत धृत संयमौ यमौ, यहाँ पर यमौ से क्या बोध हो रहा है, यमौ से
जुड़वा का अर्थ है और संयमों से जो है संयम का बोध हो रहा है, संयमों से संयम का, यमों से जुड़वा का, गजव से पर्वत में उत्पन्न होने वाले हाथियों का, और गजव माने हाथी। माने यहाँ पर जो है तुलना किससे किससे की गई, पर्वतों में उत्पन्न होने वाले हाथियों की तरह, वह हाथी जिस तरह से जंगलों में इधर उधर भ्रमण करता है, भटक रहा है, उसी तरह यह नकुल सहदेव भी 12 वर्ष से इधर उधर जंगलों में क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। लगातार भूमि पर शयन करने के कारण उनका शरीर जो है कठोर हो चुका है, और इस सब के अर्थात इन सब को देख कर तुम माने तुम एतौ यमौ इन जुड़वे भाइयों को विलोकयन माने देख कर दिया है, विलोकयन माने देख कर, कथम माने कैसे धृत संयमौ न बाधितुम, नहीं क्षम्यतम, धृत संयमौ माने आपका धैर्य आपका संयम, और आगे दिया है बाधितुम बाधितुम न क्यों नहीं छोड़ देते उस सह से। माने कहने का तात्पर्य यही है कि आप इन भाइयों की दुर्दशा को देखकर आप जो है कि जो महलों में रहने वाले थे या जंगलों में सो रहे हैं, जंगलों में सोने के कारण जो इतने कोमल थे सुकुमार थे, वह आज उनकी आकृति कठिन हो गई है, उनका उनके अंदर का कोमलपन चला गया है, उनके जिनके केश पास हमेशा लहराया करते थे, एक सही दिशा में पाटी उटी पड़ी रहती थी, अर्थात बालों पर कंघी उंगी लगी रहती थी, लेकिन आज वही बाल पूरे चेहरे को ढके हुए हैं, बढ़ गए हैं, तितर बितर हो गए हैं, लट पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उन अपने भाइयों की दुर्दशा को देखकर आपको क्यों नहीं उत्साह उत्पन्न होता, आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं आता। यह द्रौपदी का कथन है, युधिष्ठिर से कह रही है, और युधिष्ठिर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और इसके पहले भीम की दुर्दशा का वर्णन हुआ, अर्जुन का हुआ, नकुल और सहदेव का हुआ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। बनान्ते सैया कठने कृता कृते कचाचितौ बे स्वग वागजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृत संयमौ यमौ विलोकयन्नो सहसे न बाधितुम। तो इस तरह से आप बार बार पढ़ेंगे तो इससे कुछ प्रश्न भी बन जाएंगे कि तुम से किसका बोध हो रहा है, युधिष्ठिर का बोध हो रहा है, एतौ किसके लिए प्रयोग हुआ है, नकुल सहदेव के लिए हुआ है, यमौ नकुल सहदेव के लिए प्रयोग हुआ है, और गजौ भी चितौ भी अचितौ भी नकुल सहदेव, जितने भी द्विवचनांत हैं वह सब नकुल सहदेव के विशेषण हैं, विशेषण विशेष से हैं। तो हम आशा करते हैं श्लोक का भाव पहुँच गया होगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।